कन्हैया जी जो कि हमारे जूनियर हैं जेएनयू के, और ये काफ़ी आजकल तो चर्चा में है दुनिया में, पता नहीं कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे लॉबी इनको दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनाने के चक्कर में है। मैं इतना एक मिनट में आपको चुप रहिए, मैंने आपके बहुत से अनर्गल प्रलाप को चुपचाप सुना है। कन्हैया जी जो कि हमारे जूनियर हैं जेएनयू के, और ये काफ़ी आजकल तो चर्चा में है दुनिया में, पता नहीं कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे लॉबी इनको दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनाने के चक्कर में है। मैं इतना एक मिनट में आपको चुप रहिए, मैंने आपके बहुत से अनर्गल प्रलाप को चुपचाप सुना है। सुनिए स्टूडेंट, आप उनको सपोर्ट नहीं करते। सुनिए अरे कोई नहीं, ये सब बातें लफाजी है। सुनिए पहले कन्हैया जी पहले सुनिए ये बात, ये जो अभी बोल के सुनिए, कन्हैया जी के पास एक इनको शिष्टाचार सिखाइए, इनको शिष्टाचार सिखाइए। अमिताभ जी, मैंने आपको सवाल पूछा उसका जवाब तो दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब कन्हैया जी, आप लोगों के लिए फीस बढ़ी है, जवाब आपकी कोई जवाबदेही है या नहीं? मैं जवाब दूंगा, आपकी कोई जवाबदेही है या नहीं? मैं आपके लाइन सरकार तो आपकी आंसर करूंगा, लेकिन पहले मैं कन्हैया को आंसर करना चाहता हूं। इन्होंने जो शुरुआती लाइन बोला इमोशनल, हाँ। ये डबल स्पीक है, दोगलापन है। इन्होंने फौजियों की बात की, क्या 76 जब सीआरपीएफ के लोग मारे गए थे, दोगला गाली नहीं है, डबल स्पीक, दोगला गाली नहीं, तो आप दोगला है। यदि मैं डबल स्पीक, यदि तुम्हारे जैसा मैं बात करूंगा, यदि तुम्हारे बिल्कुल बात नहीं, आप दोगला हैं बिल्कुल, यदि तुम्हारे जैसा बात करूंगा, यदि तुम्हारे जैसा बात, तुम्हारे जैसा बात, आपके नेता दोगला है, तुम्हारे जैसा बात करो। देखिए कन्हैया जी, गाली मत दीजिए, गाली नहीं है ये, कन्हैया जी उनको सुनने दीजिए, गाली बर्दाश्त नहीं है, नहीं ठीक है, एक मिनट, गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे गाली आप क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप देश के साथ अत्याचार बलात्कार कर रहे हैं। आप हमें बताइए सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल ये है राजदीप जी, इन्होंने फौजियों की बात की, 76 सीआरपीएफ के लोग जब मारे गए थे दंतेवाड़ा में, और जेएनयू में इन लोगों के नेतृत्व में वहां पर मिठाई बटी और पार्टी हुई, उस 2010 में, हमें 2011 में मेरा, अरे अधिकार ही नहीं, अरे कुछ पता नहीं है इस आदमी को, इस आदमी को कुछ पता नहीं है। मेरा एडमिशन 2011 में हुआ, झूठ बोलिएगा। आपका जन्म कब हुआ, आपका जन्म कब हुआ? 87 में। हाँ, तो इसीलिए आपको तियानामेन स्क्वायर भी नहीं पता होगा, नहीं बिल्कुल, क्योंकि आप बुतरू थे, आपको पता है। अरे हम तो सब जेएनयू में थे, एक मिनट, आपको पता है, हम जेएनयू में थे, आपको पता है, हम नवासी में, आप क्या किए, हम आप 10 में जब 76 सीआरपीएफ जवान की बर्स के खिलाफ जो है, हाँ? जब वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, तो आप क्या करते, चूड़ी पहन लिए थे, क्या किए थे बोलिए? अरे सुनिए अरे हम नहीं थे, आप थे ना, आप क्या किए थे बताइए, हमको जवाब दीजिए। जेएनयू में आप थे, हम जेएनयू के बाहर थे, और हम लोगों ने जाके दुनिया में जाके बताया कि जेएनयू में ये जो लोग हैं, ये लोग नकली लोग हैं, ये लोग जेएनयू का नाम बर्बाद करने के लिए हैं, ये लोग अफजल गुरु की बरसी मनाने के लिए हैं। 9 फरवरी को क्या था, कौन मनाया है? ये मनाया है ये आदमी, तुम आप मनाए हो, बताइए, हम अफजल गुरु का बरसी मनाए हैं 9 फरवरी को, गृह मंत्री है 9 फरवरी को, मोटा भाई जो अपने आप को चाणक्य कहता है, 9 जेल में रखिएगा, अरे चुप रहो यार, रखिएगा जेल में, बिल्कुल, हिम्मत, अरे हिम्मत, तो जेल गए थे ना, बकवास बंद, जेल गए थे ना, जेल में खड़े हैं तुम, जेल में थे, जेल में खड़े हैं बोलिए, अरे गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी मत करो, एक मिनट, सीनियर है गुंडा में, गुंडागर्दी सीनियर है तुमसे, सर मैं सवाल, एक मिनट, मैं आपको सवाल जिसका जवाब, ऑडियंस, अरे सर ये झूठ बोलिए, तुम्हारे हिसाब से तुमको हैंडल कर चुके हैं जेएनयू में, एक मिनट ऑडियंस, सवाल का जवाब दीजिए, बिल्कुल, मेरा सवाल साफ था आपसे और अभी भी वही है, हिंसा होती है दिल्ली के अंदर होती है, पुलिस बाहर रहती है 3 घंटों के लिए, पुलिस को अंदर नहीं बुलाया जाता है, 4 बजे वहां, 4 बजे के पहले पुलिस पहुंचती है कुछ पुलिस वाले, लेकिन 7:45 बजे पुलिस को अंदर भेजा जाता है, उस बीच में मारपीट होती है। अब वो 6 बजे के पहले लेफ्ट ने राइट को मारा, राइट को लेफ्ट ने मारा, वो छोड़िए, 6 बजे के बाद टीचर्स और स्टूडेंट्स पर मारपीट होती है, पुलिस देखती रहती है, वहां सिक्योरिटी जो होती है वो कुछ नहीं करती। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाबदेही किसकी? मैं बताता हूं, इस देश में हिंसा, ये बापू का देश है सर, अमित शाह, नरेंद्र मोदी के पहले, महात्मा गांधी भी याद है, कन्हैया कुमार के पहले भी, महात्मा गांधी आए हैं, अभी बता दिया कि बच्चे हैं, बताइए बच्चे हैं ये, इन्होंने बता दिया कि मैं वहां नहीं था उस समय। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, एक मिनट का समय अनइंटरप्टेड दीजिएगा राजदीप जी, देखिए जवाबदेही का सवाल, जवाबदेही यही है कि इन लोगों ने जिस दिन सर्वर रूम के सारे तोड़फोड़ करने के बाद जब वहां की सिक्योरिटी वहां गई, इन्होंने उसको पीटा, वहां की एक लेडी सिक्योरिटी अफसर का वीडियो आपके पास भी वायरल में आया होगा, रो रही है वो, उन्होंने कहा कि मुझे औरत को
जस्ट लीव अपार्ट कि मैं सिक्योरिटी में हूँ, मैं एक लेडी हूँ और मुझे इन लोग गुंडागर्दी करके पुरुषों ने लड़कों ने मारा है, वहाँ पर रो रही थी, इतना लॉ, ये तो अराजक लोग हैं, ये लोग तो नक्सलिज्म, ये लेफ्ट में नहीं मानता, ये कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट कम्युनिज्म है ही अराजकता के लिए, शुरू से बना हुआ। आप उनको देश विरोधी अब कह रहे हैं? अराजक, अराजक, अराजक कह रहे हैं, देश विरोधी तो नहीं कह रहे ना। देखिए यदि आप समझते कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग देश विरोधी, अरे तो नेता है उसका, मैं तो क्योंकि ये शब्द वाली आप करते हैं, ये शब्द क्या आपको लगता है ये शब्द शोभा देता है? राजदीप जी देश बोल रहा है इनको टुकड़े टुकड़े गैंग, अफजल ग्रुप एंड पार्टी, इनके लिए पार्टी बोल रहा है इनको, इनके लिए अमित शाह देश है, चापलूसी छोड़ दीजिए। अरे चुप रहो, अरे अरे चुप रहो, अमित शाह देश है, अरे अमित शाह देश है, सुनो ये तो, देश है, अरे तो तुम्हारा देश अमित शाह नहीं है, मोदी देश नहीं है, हम सब देश हैं। मैंने कन्हैया से पूछना चाहता हूँ, अच्छा कन्हैया से पूछना चाहता हूँ, मैं कन्हैया से पूछना चाहता हूँ, भाई बाप कौन है, कम्युनिस्ट का कौन सा देश आपको लगता है कि अच्छा चल रहा है? मेरे बाप का नाम जयशंकर सिंह है, छोड़ो कम्युनिज्म का, तुम्हारे साम्यवाद का सबसे आइडियल जगह कौन सा है बता दीजिए, आपके फांसीवाद का आइडियल कौन है? हमारा कोई फांसीवाद नहीं, हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी हम राष्ट्रवादी है, तुम कम्युनिस्ट हो, साम्यवादी हो, अच्छा आदमी है कि खराब आदमी? हम राष्ट्रवादी है, आप लोगों का राष्ट्रवाद दूसरे मुसोलिनी अच्छा है कि खराब आदमी? मुसोलिनी का क्यों बीच में पड़े हो, राष्ट्रवाद में मुसोलिनी नहीं आता है, राष्ट्रवाद नहीं था तो स्टालिन कैसा था, माओ से तुम कैसा था? स्टालिन मुर्दा, स्टालिन और माओ से का समर्थन नहीं करते हैं बोलिए। अरे तो आप तो आज इसलिए फंस गए तब ना, हमें अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट करते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है, सुने सुने एक मिनट अमिताभ जी, इनके पास कोई जवाब नहीं, एक मिनट कन्हैया जी एक मिनट, ये विचार नहीं है सर, कन्हैया जी को पढ़ने से रोका जा रहा है, गरीब गरीब बना के रखता है सर, कन्हैया गरीब बना के रखता है देश में, गरीब बना के रखना ही नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप सीधा 34 जवाब नहीं दिए, एक मिनट 34, अरे अपना जवाब दे दो यार, अपना जवाब दे दो, नहीं वो आप हिटलर विरोधी है ना? मैं देश प्रेमी हूँ, गोडसे विरोधी है कि नहीं यही पूछ लीजिए, मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ, गोडसे विरोधी है, गोडसे विरोधी है, एक चीज सुनिए, अरे गोडसे विरोधी है कि नहीं है? नहीं है, देश को नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, शाबाश, सुन लो आप देशद्रोही है, आप देशद्रोही, सुनो सुनो, आप देशद्रोही है, गोडसे यहाँ विषय नहीं है, गोडसे का समर्थन देश यहाँ विषय नहीं है, देशद्रोही है, गोडसे यहाँ विषय नहीं है, गोडसे जिंदाबाद, देख लीजिए उधर उधर, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ विषय नहीं है, देख लीजिए गोडसे जिंदाबाद, बोलो जोर से बोलो दोस्त, खड़ा होकर बोलो, इसका फोटो लीजिए, इसका कैमरा ले लेके फोटो लीजिए, खड़ा 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 होकर बोलो गोडसे जिंदाबाद, खड़ा हो जाओ, ऐसे गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी मत करो, एक मिनट, एक मिनट कन्हैया, कन्हैया एक सवाल, अब डफली दे दो, डफली दे दो, मेरा एक मिनट, एक मिनट मेरा आपसे एक, एक मिनट अमिताभ, नहीं एक मिनट ऑडियंस, एक मिनट, एक मिनट के लिए गोड से, एक मिनट, एक मिनट, जय हिंद बोलिए, जय हिंद, जय हिंद बोलिए, एक मिनट ऑडियंस, एक मिनट, हम इस हम विषय से भटक रहे हैं, मैं एक डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूं आपको, जी, उनसे पहले पूछ लीजिए, नहीं, सरकार की तरफ से आए हैं, नहीं, सरकार की तरफ से आए हैं, पूछ लीजिए सर, एक मिनट, हम मैं दोनों को, मैं जेएनयू की तरफ से आया हूं, नहीं मैं जेएनयू की तरफ से आया हूं, मैं जेएनयू की तरफ से आया हूं, मैं दोनों को 30 सेकंड, तुम्हारा सीनियर हूं, जेएनयू की तरफ से आया हूं, अमिताभ एक मिनट, एक मिनट ऑडियंस, ये लाइव जा रहा है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, लाइव जा रहा है शो, जेएनयू की तरफ से आए, जेएनयू पक्ष में एक शब्द नहीं बोले, मैं दोनों को 30 सेकंड दूंगा अनइंटरप्टेड, और दोनों को डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, पहले सवाल उनसे पूछना होगा, लेकिन नहीं पहले आप वो सत्ता की तरफ से आए, ओके सत्ता से सवाल पूछिए, सत्ता से सवाल पूछिए, यही कह रहा हूं, यही अनार्किज्म है, यही अनार्किज्म है, एक मिनट बट बगैर इंटरप्शन सर, आप आपको मुझे यहां छोड़ना पड़ेगा अगर आप इंटरप्ट करें प्लीज, तो मैं दोनों को 30-30 सेकंड दूंगा आपको, पहले आपने सर एक मिनट, आपको मैंने एक सवाल पूछा था कि जवाबदेही किसकी, मैं अब अनइंटरप्टेड आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, जो जेएनयू में हुआ उसकी जवाबदेही किसकी, जब हिंसा होती है क्या वीसी की जवाबदेही होती है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, पुलिस की होती है, किसकी होती है, ये डायरेक्ट जवाब दीजिए, कोई आपको इंटरप्ट नहीं करेगा, 30 सेकंड। देखिए सबसे पहली चीज तो कि जो अभी कन्हैया से आपने उन्होंने मुझे आपकी और आपको मुझे मेरी ओर मोड़ दिया, ये अपने आप में उनका एनार्किस्ट नेचर शो करता है,
ये व्यवस्था को विश्वास नहीं करते ये लोग। और जेएनयू में इन लोगों ने आजकल एक ऐसा माहौल बना दिया, क्योंकि ये पूरे देश दुनिया से हार गए हैं, आज इनको लगता है कि हम यहीं से अपना सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। कौन जवाबदेही? आप जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूं। आप पुलिस को बचाएंगे? अराजक लोग हैं ये, अराजक लोग, ये अराजक लोग उसके जिम्मेवार हैं। अब आपसे सवाल है, उस दिन 34 लोग, महिलाएं, स्टूडेंट्स, फैकल्टी पर रॉड्स, हॉकी स्टिक्स लगाए गए, देवर बीटन अप बाय हॉकी स्टिक्स रॉड्स। उसके साथ साथ एबीवीपी का कहना है कि उनके 25 लोगों को भी मारा पीटा गया है, उनकी भी इंजरीज हुई है। कन्हैया और उनके साथी केवल एसएफआई और टीचर्स की बात करते हैं, एबीवीपी के कार्यकर्ता जिन पर भी चोट लगी है उसकी बात नहीं करते, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग बार बार कहते हैं कि जेएनयू पर जो हिंसा हुई है, कोई उसमें पार्टीजन पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है, इस बात की जानकारी है कि एबीपी के भी स्टूडेंट पिटे हैं, ये भी गलत है। किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई मारपीट नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए है, रॉड चलाने के लिए नहीं है। इस बात में कोई दो राय नहीं है सर। हम लोग सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं कि जेएनयू में जो वायलेंस हुआ है, उस वायलेंस की निष्पक्ष जाँच हो और दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो। क्योंकि हमने ये देखा है कि हर बार नकाब जो है जेएनयू को बदनाम करने के लिए कहां से पैदा हो जाता है। जेएनयू से इन्होंने कश्मीर से इंटरप्ट किया। आप कश्मीर से नकाब पोछ मत कीजिए, उनको रगड़ देंगे तो कहेंगे सीनियर हैं। नहीं, सीनियर है तो सीनियर जैसा रहिए। रगड़ेंगे हम तुमको यार। सीनियर है तो सीनियर जैसा रहिए। इज्जत करेंगे, नमस्कार करेंगे, शांत रहिए। नहीं, शांत कैसे रहे? जवाब दे रहे हैं। सुनिए सुनिए, जवाब देने दीजिए, आप चुप रहिए। आपने खत्म कर लिया, 30 सेकंड हो गया। जवाब देने दीजिए, सेकंड तो हो गया, और 15 सेकंड बताइए। तो आप मानते हैं कि किसी ने अगर एबीवीपी के स्टूडेंट पर भी लाठी चलाई है और या उनको धमकी दी है, गलत है या नहीं? स्टूडेंट स्टूडेंट है, अपार्ट फ्रॉम दियर पॉलिटिकल एफिलिएशन एंड आइडियोलॉजी। क्यों मारा था इसने? किसी इन लोगों ने क्यों मारा था सर्वर रूम में? अरे समित शाह इसका जवाब देगा कि हम जवाब देंगे। क्यों मारे थे? आप लोगों ने मारा था, इन लोगों ने मारा था, इन लोगों ने मारा था जाके, जो लोग रजिस्ट्रेशन कराने गए, जिस दिन रजिस्ट्रेशन कराने बच्चे जा रहे थे, क्यों मारपीट की? सर मुझे ये बताइए, सर अगर ये सब हो रहा है, आप सरकार आपकी है, एक मिनट, सरकार आपकी है, पुलिस यंत्रणा अमित शाह और होम मिनिस्टर, एक मिनट सर, होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जवाबदेही का समय आया है या नहीं? नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं 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 चलता रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ऐसे अराजक और क्रिमिनल लोग हमेशा लॉ को तोड़ते हैं, लेकिन उसके बाद सरकार क्रिमिनल बोलते हैं, क्रिमिनल होते तो अभी तक इनका सर नहीं फोड़ दिया होता। अरे तो जेल सर फोड़, क्रिमिनल हो, क्रिमिनल है नहीं, डर के मारे क्रिमिनल है। तुम्हारा कन्हैया जी, आपका एक्शन बोल रहा है, आपका बस चले तो हमारा तोड़ दीजिए। हम क्रिमिनल हैं, आप जेल लग रहे हैं, हम 47 लेकर आए हैं, देखिए तो। अरे 47 नहीं, आप जेल गए थे ना? आप जेल गए थे कि नहीं? आप जेल गए हैं? जेल तो महात्मा गांधी गए थे, भगत सिंह गए थे, आप गए थे, आप गए थे अफजल गुरु का बरसी मनाने के लिए। फिर देखिए, अफजल गुरु का बरसी मनाने गए थे। फिर मैं अगर सुनिए, अब इनका एक बात, एक एक चीज का जवाब दे दीजिए जी। ये कहते हैं कि अफजल गुरु का बरसी मनाया गया, कब मनाया गया सर? 9 फरवरी 2016 किसकी सरकार थी? सरकार क्या मतलब, जब क्रिमिनल आदमी होता है तो सरकार से डरता है क्या? कौन देश चलाएगा? आप देश चलाएंगे कि सरकार देश चलाएगी? सरकार सरकार जो है वो हथियार रोक नहीं देती है, हथियारों को पकड़ के ठोकती है। ठोकती है तो ठोक दीजिए। हाँ तो ठोकाओगे, जैसे गांधी को ठोक दिया था, ठोकाओगे? यदि सुधरोगे नहीं तो ठोकाओगे, लोगों को ठोक देना। यदि सुधरोगे नहीं तो ठोकाओगे, ठोक देंगे। सुधरोगे नहीं तो ठोकाओगे, किस चीज सुधरोगे नहीं? गोली से मारिएगा कि सुधरोगे? अमिताभ सिन्हा, आप अब खुली धमकी दे रहे हो प्रोग्राम में, बताइए ठोकने की बात करते नहीं तो ठोकेंगे? ठोकेंगे मतलब क्या? इट इज बेसिकली राजदीप अ रेटरिक, इट इज अ रेटरिक, इट इज अ रेटरिक। यदि क्रिमिनल को सुधारने के लिए एक बार वार्निंग मिलती है, और यदि क्रिमिनल वार्निंग ना समझे तो उसके बाद उसको ठोकने का मतलब न्यायिक प्रक्रिया में उसको दंडित करना है। समझ में आई बात? ठोकना मतलब ये रेटरिक है, समझो। आप तो इतने विद्वान पत्रकार हो, हमारे यहाँ तो ठोकने का मतलब होता है बिहार में गोली मार देना। अरे हम भी बिहारी हैं, हम भी बिहारी हैं। आप बिहार से हैं? हम बिहार से हैं। तो ये बोलिए ना भाई। अरे ये भी बिहार से हैं यार, ऐसे मत करो। ये भी बिहार से हैं। हम भी कैमूर से हैं। अच्छा मैं एक मिनट, यहाँ कई छात्र भी आए हैं, मैं दो सवाल लूंगा, एक इस तरफ से एक उस तरफ से। अब एक यहाँ से एक लेडीज का लूंगा पहले। यस मैडम, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, वहाँ जो पुलिस वगैरह बाहर खड़ी है वो कोई